आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है माय फर्स्ट वीडियो, यानी मेरा पहला वीडियो का संदेश क्या है, मैसेज क्या है। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। आप सब वीडियो के लास्ट तक रहें बने हुए, और अपनी राय, अपना कमेंट अवश्य भेजें। और अगर अब तक आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो अभी बन जाइए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो हमारा जो वीडियो है आज का, कि हमारे चैनल के उद्देश्य क्या, यही मेरा था पहला वीडियो। हमारे चैनल के, हमारे और वैश्विक जीवन के उद्देश्य आखिर हैं क्या। दोस्तों, आप तो नाम जानते ही हैं कि हमारे चैनल का नाम क्या है, धर्म बोध, धर्म का बोध हो। और यही मेरे अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन का भी उद्देश्य है, धर्म का बोध। धर्म का बोध स्वयं प्राप्त करना और अन्यों को भी बोध करवाना, विश्व को बोध धर्म का करवाना, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। और यही मेरे चैनल का भी उद्देश्य है कि आपको धर्म का बोध हो अच्छी तरह से। धर्म वह नहीं है जो सामान्यतया लोग समझते हैं। लोग बहुत सारे समझते हैं कि धर्म कुछ रीति रिवाज, पूजा पाठ भर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो धर्म क्या, धर्म का बोध होता है कैसा, इसको हमने चार भावों में बांटा है। और आइए अब आपको हम उन चारों बातों का बोध करवाते हैं। नंबर एक, जीवन की उत्पत्ति, विकास और संहार से संबंधित जो सृष्टि के नियमोपनियम हैं, वे धर्म हैं। तो सृष्टि के संविधान का वह हिस्सा जो जीवन से संबंधित है, उसको धर्म कह दें, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जीवन की होती है उत्पत्ति कैसे, इसका विकास होता है कैसे, हमारी चेतना का विकास होता है कैसे, या फिर हो सकता है कैसे, और इसका रूपांतरण, संहार, नाश कैसे होता है। और इन्हीं विषयों को धर्म कहते हैं मूल रूप से। हमारा दूसरा विषय है मित्रों कि धर्म अंधविश्वास और पाखंड से बिल्कुल दूर हो, धर्म तथ्य, तर्क और प्रमाण पर आधारित हो। आज जो दुनिया में बहुत सारे लोग मानते हैं कि वे रसूल थे, वे दूत थे, पैगंबर थे परमात्मा के, वे परमात्मा के संत थे, बेटा थे, ये सारी झूठी बातें, ये सारी बातें ठगने के लिए हैं, अपना धौंस, अपना दिखावा भर के लिए हैं। वास्तव में तो सभी हैं संतान परमात्मा के, और सारे ही दूत हैं परमात्मा के। आप, हम सभी, सारे जीव उसकी दृष्टि में ज्यादा या कम प्यारा कोई नहीं होता। उसका नियम सबके लिए इक्वल, समान। और दोस्तों, हमारा तीसरा है धर्म के बोध का हिस्सा, वो ये है
कि आपके अंदर ही धर्म है, धर्म आपके अंदर है, क्योंकि धर्म ने ही आपके जीवन को उत्पन्न किया है। आप धर्म द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, धर्म के ही द्वारा आपकी आपकी चेतना का जीवन का विकास हो रहा है, और इसके ही द्वारा एक दिन रूपांतरण संहार भी होगा। तो जो धर्म आपके अंदर है, सहज विकसित होता हुआ धर्म चेतना, उसको समझना। धर्म कोई भौतिक वस्तु नहीं है, धर्म चेतना के विकास का नाम है, धर्म चेतना के विकास का विज्ञान है। अपने अंदर के धर्म को समझें, अपने स्वभाव नेचर, अपनी कैसी है प्रकृति उसको समझें, अपने आप को समझें, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं इसको समझें, अपने अंदर के धर्म से रूबरू होना, जानना समझना अनुभव में आना चाहिए। यह धर्म बोध का तीसरा चरण है। और मित्रों हमारा चौथा क्या है कि जो धर्म हमारे आसपास है फैला हुआ, धर्म कहां फैला हुआ है, जीवों में, जीवन में, जो जीवन का विज्ञान है वही तो धर्म है। तो आपके आसपास अगणित असंख्य जीव हैं, सबको देखिए समझिए, आपको धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए, इसके बोध के लिए चाहिए कोई बोध दिलाने वाला, और वो कार्य धर्म बोध चैनल हमेशा करता रहेगा। तो धर्म बोध के चार चरण, चार उद्देश्य, चार बोध के प्रकार, एक असली धर्म को समझना जो कि जीवन विज्ञान है, जो सृष्टि संविधान का, परमात्मा का एक हिस्सा है, भाग है, चैप्टर है, सृष्टि संविधान का वह चैप्टर जो जीवन से संबंधित है वही तो धर्म है। दूसरा, धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड को, अंधविश्वास को समाप्त करना। तीसरा है अपने अंदर के धर्म को जानना, पहचानना और अनुभव में लाना। और नंबर चार, कि जो आपके आसपास धर्म की धारा बह रही है जीवन के रूप में, जीवों के रूप में, उन सबको जानना पहचानना, धर्म को समुच्चय में, धर्म को धारा के भी रूप में जानना देखना। तो ये चार उद्देश्य हैं धर्म बोध के, और इसका विस्तार होगा तो और इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम ज्यादा ना बोलते हुए आप को अंत में बताना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जीवन के चार होते हैं पुरुषार्थ। वो क्या क्या? एक धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इनमें से जो जीवन का सबसे पहला है पुरुषार्थ वो है धर्म। धर्म ही है, धर्म को जानना समझना अनुभव करना, ये जीवन का पहला पुरुषार्थ। और इससे ही हम आप सभी आज विहीन हो रहे हैं, दुनिया विहीन हो रही है, धर्म को ठीक से नहीं समझती, जानती है दुनिया,
और उसका बोध कराने के लिए धर्म बोध आपके द्वार तक आपके हाथ में है पहुंचा हुआ। आप उसे देखिए, समझिए और अपनी राय अवश्य लिखकर भेजते रहिए। धन्यवाद।